नमस्कार। होलिस्टिक हीलिंग के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम समझते हैं कि एक उम्र के बाद हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी ब्लड प्रेशर पाना। सच पूछिए तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना सिर्फ ये बता रहा है कि आपने अपने साथ लापरवाही की है। इसको ठीक करने के लिए हमको पहले इस पूरे सिस्टम को थोड़ा समझ लेना होगा, तो फिर हमको उसको आसान हो जाएगा इसको सही जगह पर लेके आना। देखिए, हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग को शक्ति चाहिए चलाने के लिए। दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक न्यूट्रिशन की जो हमारे खाने पीने से मिलती है, और एक ऑक्सीजन की। ये दोनों चीज़ें शरीर के एक एक सेल को हमको पहुंचानी है, जिनके बारे में अभी का अंदाज़ा ये है कि करीब 150 ट्रिलियन ये सेल होते हैं। आपको सबको ये न्यूट्रिशन अलग से देनी है और ऑक्सीजन भी देनी है। इसको पहुंचाने का जो मीडियम है वो हमारा खून है। हमारी सारी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन खून के जरिए सब जगह हमको पहुंचानी है। अगर ये सप्लाई ना पहुंचे तो फिर हम कहीं और ही पहुंच जाएंगे। इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको पंप करना होता है, इसको धक्का मारना होता है। ये जो आपका खून है ये इसको लेके जाए, तो ये धक्का मारने का काम हमारा हृदय, हमारा दिल करता है। ये इसको पंप करेगा, धोंकने की तरह दबाएगा और आगे भेज देगा। सारे सेल्स उसको यूज़ करेंगे। उसका यूज़ करते वक्त जो आपका वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको फिर इसी खून के जरिए वापस लेके आना है, जिसको साफ़ किया जाएगा दिल में और फिर दोबारा आगे भेज दिया जाएगा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा है जिसको हमको आगे पहुँचाना है। हजारों साल तक लोगों के मन में ये था कि खून तो बस अपनी जगह खड़ा है, लेकिन आज सब जानते हैं कि खून घूमता है और ऐसे गंदगी को वापस लाता है और साफ खून को पहुंचा के आता है। तो इसमें हमको जो हमारे शरीर में बहुत सारी आर्टरीज हैं, वेन्स के जरिए ये खून पहुंचाना है। पंपिंग का काम दिल करेगा। तो हम इसको सिस्टम को कैसे ख़राब करते हैं उसको ज़रा देखिएगा। पहली बात यह है कि अगर हमारा ये जो पंप है, ये हमारी जो धौंकनी है, यही कमज़ोर हो जाएगी तो फिर खून आगे जाएगा कैसे? तो एक तो इसका सही होना ज़रूरी है। दूसरी बात, ये जो आपकी पाइपलाइन है, ये जो आपकी आर्टरीज और पाइप आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं, इसमें अगर किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कहीं से ये फंसा हुआ होगा कुछ, तो आपके हार्ट को और ज़्यादा दबाव देना पड़ेगा, उसको प्रेशर से आगे फेंकना पड़ेगा। छोटा सा उदाहरण आप कभी भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप अपने लॉन में पानी दे रहे हैं और वाटरिंग होज आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो अगर आप उसको सॉफ्टली पकड़े हुए हैं तो पानी थोड़ी दूर पर गिरता है, लेकिन अगर आप उसके सामने उंगली लगा लेंगे या उसको ट्यूब को थोड़ा दबा लेंगे तो क्या होगा कि प्रेशर आएगा जोर से, आपको बहुत दूर पानी जाएगा, जिसका हम लोग प्रयोग भी करते हैं जब पानी दूर हमको फेंकना होता है। अगर आप बाय चांस पूरी तरह से उसको बंद कर लेते हैं तो आप पाइएगा कि या तो आपकी होज जो है वो मेन टैप से निकल जाएगा या उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा जिसमें आपकी ट्यूब भी फट सकती है। मोटे तौर पे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी यही कुछ हो रहा होता है। आपके दिल को उस पर प्रेशर डाल के उसको करना है और फिर उसको थोड़ी देर बाद हल्का होना है, प्रेशर दबाते रहना है, छोड़ते रहना है, धोंकने की तरह दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना। इस पूरे सिस्टम को हम कई तरह से ख़राब कर बैठते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिल के दबाने की ताकत, उसको वो प्रेस कर पा रहा है कि नहीं, पुश कर पा रहा है कि नहीं, हम उसको ही कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हैं। देखिए, किसी मसल की तरह ये भी एक मसल है, तो उसमें अगर ताकत होगी तभी वो उसको प्रेस कर पाएगा। हम अपने हाथ पाँव ही नहीं हिलाएंगे अगर, वही मसल्स हमारे कमज़ोर हो जाएंगे, तो हार्ट का मसल उस पर और ज़्यादा असर पड़ता है। जब हम फिजिकली एक्टिव थे तो हमारा हार्ट साथ में और मसल्स की तरह मजबूत होता था। आज हमने सोचा है कि हमारे पास खाली बैठे रहने का अधिकार है, और क्योंकि हम कोई लिखाई पढ़ाई का काम कर रहे हैं तो अब हमको फिजिकल एक्टिविटी क्या करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा कम हो जाता चलता है, कोई पहले जितनी मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो करना है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो नियमित रूप से कुछ एक्सरसाइज करते हों या फिजिकल एक्टिविटी करते हों, तो
जितना आप उसको छोड़ते जाइएगा आपके हाथ पांव भी कमज़ोर होंगे और साथ में आपका ये हार्ट का मसल उसको प्रेस करने की ताकत ही उसमें घटती चली जाएगी, उसमें वो प्रेशर ही नहीं डाल पाएगा। चलिए किसी तरह से अगर उसमें ये ताकत है भी, वो उसको दबा भी पा रहा है, तो एक दूसरी मुसीबत आ जाएगी कि हमारी ये जो आर्टरीज हैं जिसमें आपने इसको भेजना है खून को, अगर वो अंदर किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर उसको जोर लगाना पड़ेगा और आपको ब्लड प्रेशर होगा। ये ऑब्स्ट्रक्शन कोई बाहर से तो चीज़ आती नहीं है कि कोई पत्थर आके फंस जाएगा या लकड़ी उसमें फंस जाएगी। हमारा ये जो खाया पिया खाना है यही पाइपलाइन में जमना शुरू हो जाता है। हमारे जो गलत तरह का हम खाते हैं वो हमारी सारे में अंदर प्लाक बनाता चला जाता है, वहाँ पे चिपक जाता है। और खाते वक्त हमको लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो इतना अंदर का जो नेटवर्क है वो धीरे धीरे ब्लॉक हो रहा होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता क्योंकि हमारा सिस्टम उसको जहाँ तक हो सके हटाने की कोशिश करता है, लेकिन आप जब गंदगी ज़्यादा ही भरते ही चले जाएंगे तो गड़बड़ होगी ही। तो याद रखिए कि आप जब भी कोई जंक फूड खाते हैं या अनडिज़ायरेबल फूड खाते हैं तो वो अंदर जमेगा और आपको ब्लड प्रेशर की तरफ खींच के ले जाएगा। वो जो आजकल के फ्राइड फूड हैं या शुगरी फूड जो हैं और प्रोसेस्ड फूड जो हैं, हर चीज़ जो हमारे आँत में चिपक सकती है वो हमको ब्लड प्रेशर कराएगी। यही अपने आप में काफ़ी नुकसानदेह है, लेकिन हम इस पूरे सिस्टम को और बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को, जो हमारी आर्टरीज की स्ट्रेंथ है उसको और कमज़ोर करते हैं, इससे बड़े बड़े ऐब करके उसमें आपकी शराब भी आ जाती है और सिगरेट भी आ जाती है, और अगर कोई ड्रग्स लेता है तो वो भी इसको सारे को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उसकी वजह से ये पाइपलाइन कमज़ोर होगी। और चौथी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा जो स्ट्रेस में रहना है, जो हम किसी तरह के तनाव में आते हैं, अब वो चाहे क्रोध के रूप में हो या उदासी के रूप में हो, ये दोनों चीज़ें जब भी आपको होती हैं तो ये कंस्ट्रिक्ट होती हैं, आपकी अंदर की आर्टरीज भी सिकुड़ जाएंगी। यानी जैसे जब भी आपके माथे पे बल पड़ेगा, जैसे आपके माथा सिकुड़ता है तो आपकी आंतें भी सिकुड़ेंगी। अब अगर अंदर कोई उसके कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो फिर भी खून पास होता रहेगा, लेकिन अगर एक तरफ हमारे ऑब्स्ट्रक्शन है और हम उसको आगे से क्रोध करके या उदासी करके और अगर तंग करेंगे तो उसमें से खून पास करना मुश्किल हो जाएगा और ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही। उसके बाद धीरे धीरे हमको और ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम, जैसे हार्ट प्रॉब्लम का खतरा है या हेमरेज हो जाने का और स्ट्रोक वगैरह का सबका खतरा खड़ा हो जाता है। तो उस विषय पर भी हमको ध्यान देना होगा। छोटे छोटे और बहुत से कारण हैं, लेकिन हम इन तीन चार पे ही अगर ध्यान दें कि पहली बात एक्सरसाइज करके उसको कंट्रोल करें, दूसरी बात हमारा खाना पीना सही होना चाहिए, तीसरी बात कोई अगर ऐसा नशा हम करते हैं तो उसको हम सख्ती से बचाएं, और चौथे हमारी सोच जहां तक हो वो पॉजिटिव रहे। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जिसको कोई हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसके ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उनको बताते भी हैं कि इनको कोई सदमे वाली बात मत पहुंचाइएगा, सदमे वाली बात इनको ना पता चले, क्योंकि फिर वही होगा, उस स्ट्रेस से उनकी वो कंस्ट्रिक्ट होंगी और वो हमारे लिए दिक्कत खड़ी करेगा। तो जो सामान्य चीज़ें हमको रोज़मर्रा में करनी हैं वही हमारे ब्लड प्रेशर पर भी लागू होती हैं। हमारा किसी भी हालत में रोज़ का जो एक्सरसाइज का रूटीन है उसमें जो हमको वैसे तो 2 घंटे लगने चाहिए, लेकिन कम से कम 1 घंटे की हमको ज़रूर उसमें एक्सरसाइज के लिए समय निकालना होगा। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं मन में ये इमेज रखिए कि इससे आप अपने हार्ट को भी मजबूत कर रहे हैं और अपने ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर रहे हैं। ये जो बहुत लोगों के मन में आ जाता है, जैसे हम वॉक कर रहे हैं क्या इसका नतीजा क्या है, रोज़ घूम रहे हैं कुछ हो तो रहा नहीं, तो वो कोई आप बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि शरीर तो बना है 8 घंटे तक कुछ ना कुछ करते रहने के लिए। ये ज़रूर अपने जीवन का अंग बना के रखें। दूसरी बात, जो ब्लड प्रेशर को अवॉइड करना चाहते हैं वो इसलिए ना खाएं गलत चीज़ें, जंक फूड इसलिए ना खाएं कि वो उनको खींच के ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाएगा, और जिनको पहले से है
उनको तो अपने ऊपर सख्ती करनी ही करनी है कि भाई मैंने अपना ऊट पटांग खाने का लाइसेंस अब खो दिया है, वार्निंग साइन आ गया है, अब ये मेरे को बहुत तंग करेगा। क्योंकि ये जब ब्लड प्रेशर हो जाता है उसकी वजह से आपके लिवर पे भी असर आएगा, आपकी किडनी पे भी असर आएगा और हार्ट का तो मैंने आपको बताया ही है, तो उसको एक तरह का खतरे का सिग्नल समझ के हमको वो होना चाहिए कि हम कैसे कंट्रोल करें। गलत खाना जो है हमारा, जंक फूड हमको बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, हेल्दी फूड से हम बचे रहेंगे। तीसरी बात यह है कि टेंशन से जहां तक हो सके हमको अपने आप को छुटकारा देके रखना होगा। तनाव हमको ले डूबेगा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप ही सोचें कि मैं साथ में, यही समस्याएं अपने आप में काफ़ी हैं, मैं ब्लड प्रेशर की समस्या क्यों खड़ी करूं? तो उससे बच के रहें। और नशे का तो बार बार कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हर तरह का नशा हर तरह की बीमारी को खड़ा करता है। ये तो हमारा प्रिवेंटिव हुआ, आप कुछ उन चीज़ों के बारे में भी बात कर लें जो इसमें सहयोग देती हैं आपको इसको ठीक करने में। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो एक चीज़ जो आपको नियमित करनी चाहिए, चुकंदर का रस ज़रूर पीते रहें। वो आपका एक ग्लास या चाहे तो एक कप ही, वो नियमित आपके जीवन का अंग होना चाहिए, वो आप लें ही। लेकिन एक बात याद रखें कि चुकंदर का रस तभी काम करेगा अगर आपका बाकी का खाना पीना सही है। अगर आप सोचते हैं कि आप जंक फूड भी खा लेंगे और साथ में चुकंदर का जूस भी पिएंगे तो उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो उस आदमी के लिए कुछ कर सकता है जो बाकी की गलतियों से तौबा कर चुका है। हम एक साइड पे हो जाते हैं कि हम तो चुकंदर का रस फूड पी रहे हैं, तो वो चुकंदर का रस कोई वो नहीं है। मैं तो सबसे मजाक करता हूँ कि अगर, वैसे तो अमृत कहीं मिलता नहीं, लेकिन अगर अमृत का घड़ा मिल भी जाता है आपको, तो आप अगर वो अमृत का पूरा घड़ा पी जाते हैं तो उससे शायद अमर तो आप हो जाएं, कहा जाता है कि उससे अमर हो जाते हैं, लेकिन पेट उसका आपका उससे भी ख़राब हो जाएगा। आप उसको ज़्यादा नहीं ले सकते, और अमृत पीने के बाद भी आपको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप जंक फूड भी खाते रहेंगे, अमर होंगे और ज़्यादा कष्ट भोगेंगे। तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को लो बीपी होता है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपका हार्ट की जो पंपिंग एक्शन है वो कम हो गया है, वो उसको आगे पंप ही नहीं कर पा रहा। ऐसे लोगों के लिए अगर वो बाकी की चीज़ें सब सही किए हुए हैं, तो जो हमारी किशमिश होती है रेजिन, इसको भिगो के, रात को भिगो के सुबह इसके 10-15 दाना खाने से आपके हार्ट को मदद मिलती है, वो आप ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम लोग टैबलेट खा के इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, लगता बड़ा अच्छा है क्योंकि उससे एकदम आपकी रीडिंग तो कम आ जाती है, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, लॉन्ग टर्म में हमको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। क्या है कि जब भी आप टैबलेट कर रहे हैं तो वो आपकी आर्टरी को बैलून करने की कोशिश कर रही है, उसको फुला रही है। आप अंदर की सफाई नहीं कर रहे हैं, आप उसको फुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वो आर्टरीज थोड़ा सा उनमें स्पेस बन जाए, उसमें खून आसानी से पास हो जाए ताकि आपका ब्लड प्रेशर डाउन आ जाए। तो उस हिसाब से तो अच्छा है कि आप उससे निकल आए, लेकिन एक बात मत भूलिएगा कि आपकी आर्टरीज की फैलने की एक लिमिट है। एक हद तक तो आप उनको फुलाएंगे, और वो आपने देखा भी होगा कि हमारी ब्लड प्रेशर की दवाई की डोज बढ़ती चली जाती है। अब एक हद से बढ़ने के बाद फिर क्या होगा, बस होगा, जैसे गुब्बारा आप एक हद से ज्यादा फुलाएंगे तो फूटेगा। अब ये फूलनी, जो फूली हुई आपकी आर्टरीज हैं, ये बस्ट करना शुरू करेंगी, आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और बीसों तरह के और नुकसान होने शुरू होंगे। तो दवाई के भरोसे मत रहिएगा, वो अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है तो उतने दिनों के लिए उसको आपको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए मदद है, लेकिन आपको जो एक्सपेक्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो आपको ही करने हैं। अपनी एक्सरसाइज भी कीजिए, खाना सही कीजिए। हाँ, शुरू के दिनों में आपने ये कर लिया, सच पूछिए तो कोई भी दवा अगर आप 10 दिन से ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने शरीर को और ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। ये हमारी जो मन में कहीं बात आ गई है कि लॉन्ग टर्म हमको इसको करना है, ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ दिनों के लिए कुछ हुआ है, आपने 10 दिन उसको खाया, आप किनारे हुए, चलता है। लेकिन आप कितने ही लोग हैं जो सारी उम्र तक सोचते रहते हैं कि हम अपना ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं,
हैरानी होती है, 10 साल 15 साल तक चली रही है, तो वो आप अपने और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बात मैं बार बार दोहराना चाहूँगा, एनी मेडिसिन विच हैज़ इफेक्ट ऑल्सो हैज़ साइड इफेक्ट, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट के तौर पर मत लें, उसको सपोर्टिंग सिस्टम के लिए लें कि जब मुसीबत आई हुई है उसको ठीक करने के लिए लें, बाद में आपको अपने शरीर को ठीक करना ही है। जितना जल्दी हो सके इससे बचें, जितना इसको आप लो रख सकेंगे उतना फ़ायदा होगा। और ये कभी मत सोचें कि उम्र के साथ तो ये बढ़ना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्वस्थ अपने आप को रखते हैं तो बुढ़ापे तक आप उसको वहीं पे रोक के रख सकते हैं जहाँ पे जवानी में था। जितना जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाइए, क्योंकि ये बीमारियाँ आपकी बढ़ाते ही चला जाएगा। नमस्कार।